ये खबरों में आगे बढ़ते बात करते हैं हरियाणा में आप और कांग्रेस के गठबंधन की, जिसमें कांग्रेस के 9 नेता प्रत्याशी होंगे लोकसभा के लिए और वहीं आप पार्टी के 1 प्रत्याशी होंगे लोकसभा के लिए कुछ दर्शक। भाई कल तय जो एक दूसरे ने दोनों खरी खोटी सुनाया कर दे, आज भाई आज मेलजोल बढ़ाने लग रहे हैं है? और भाई सुर तसुर मिलाने लग रहे हैं भाई कसूती राजनीति से एकदम 16 अंश का विकास भाई। वही इंडिया गठबंधन की तरफ से आम आदमी पार्टी के जो लोकसभा प्रत्याशी बने सुशील गुप्ता, वो अपनी सहयोगी पार्टी यानी कांग्रेस के बड़े नेताओं से मेलजोल बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ वो अपना जो काम है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और वही हरियाणा के पूर्व सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सुशील गुप्ता अच्छे इंसान, दोनों तरफ के नेताओं ने मिलकर तय किया कि हम पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव का लड़ेंगे और विपक्ष से चाहे जो भी उम्मीदवार है उसकी जमानत जब्त कराएंगे। और उन्होंने अपना उम्मीदवार सुशील गुप्ता को किया, अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है, तो पहला कांग्रेस में था उसकी मैं मदद करनी है। भाई राजनीति में तो जुगलबंदी थे काल तई तू तू मैं और आज भाई आज एक के घाट पर पानी पीवे है, आज मिले सुर मेरा थारा ते सुर मिले महारा, यो काम चल रहा है। क्षेत्र से गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता ने जमकर बीजेपी पर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि जो धर्मयुद्ध था उसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र से हुई थी, कुरुक्षेत्र के अंदर धर्मयुद्ध की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे लोग भी सत्ता में आने के सौपन संजोए हुए जो अकेले चुनाव लड़ने का दम भरते थे, आज वो आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों का सहारा लेने का काम कर रहे हैं। आज वो आम आदमी पार्टी को साथ लेके चल रहे हैं, दिखाता है कि कांग्रेस को भी बैसाखियों की जरूरत पड़ेगी। यार कुरुक्षेत्र में जो धर्मयुद्ध होया था वो तो कौरव और पांडवा के बीच होया था, फिर यो जो युद्ध होने लग रहा है इसमें कौरव कौन से और पांडव कौन, सोचने वाली बात है। वही हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर ने आप और कांग्रेस के गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की हालत काफी खराब है और ऐसी कुछ हालत है आप पार्टी की। वही उन्होंने कहा कि कांग्रेस से जिन लोगों को लोकसभा चुनाव लड़ना था वो इधर उधर चल दिए, अब उनके पास कोई प्रत्याशी नहीं चुनाव लड़ने के लिए। कांग्रेस कमजोर है, नहीं आम आदमी पार्टी के पास कुछ है। अब कांग्रेस की तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि चुनाव लड़ने वाला ही नहीं बचे। अब जिनको चुनाव लड़ाना था वो इनकार करके चले गए कि हम एमपी का चुनाव नहीं लड़ेंगे। पर नेताजी देखियो कभी एक और एक मिलके 11 ना हो जा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता विकास भाई, क्योंकि सीटें तो 10 ही हैं। अरे मेरे कहने का मतलब था भाई, वो कया नहीं करेगा भाई, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाए तो नहीं ऐसे भाई, कभी ये साठगांठ कर मिलके भारी ना पड़ जा। वो तो देखने वाली बात है विकास भाई कि गठबंधन कितनी सीटों पर अपनी गांठ खोलता है। वहीं बीजेपी के बड़े नेता और सांसद संजय भाटिया ने कांग्रेस और आप पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने भागने का काम किया है और कांग्रेस ने कैसे एसओएल का पानी हरियाणा को ना देने वाली पार्टी से हाथ मिला लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि आप पार्टी तो हरियाणा में मुंह दिखाने लायक भी नहीं है। कांग्रेस पहले ही मैदान छोड़ के भाग गई कुरुक्षेत्र से और वो आपके ऊपर टोकरा रख के चलेगी, जिस आपका हरियाणा में कुछ लेना देना नहीं है। आप पार्टी तो मैं समझता मुंह दिखाने लायक नहीं है भाई। एसवेल का पानी तो नवीन हंसता ही कोई भी पार्टी ना दो पाई, बेचे वाह बीजेपी से, बेचे वाह कांग्रेस से, चे वाह इन्हें लो रही थी और चे भेर वाह आम आदमी पार्टी, पानी कोई ना दो पाया। वही बीजेपी के नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने आप और कांग्रेस पर गठबंधन के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि ये दोनों पार्टियां मिलकर भी बीजेपी का सामना नहीं कर सकती। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हताशा में है, आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई आधार है नहीं और ये दोनों मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में नहीं पूरे देश में कहीं भी मुकाबला ये नहीं कर पाएंगे। भाई एक शेर से है तो दूसरा सभा शेर। वहीं जेजेपी के बड़े नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने आप और जो कांग्रेस पार्टी उसके गठबंधन निशाना साधते हुए कहा कि ये दोनों सांप हैं, मतलब कि हैं तो एक ही लेकिन चेहरे अलग अलग हैं। कांग्रेस ने तो सदैव आम आदमी पार्टी का विरोध किया, आम आदमी पार्टी ने सदैव कांग्रेस का विरोध किया, इतिहास गवाह है आम आदमी पार्टी कांग्रेस के विरोध में जन्मी। सांप एक ही है, दो अलग अलग चेहरे हैं। दिग्विजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी को गाली दे दे के पानी पी पी के गालियां दी थी और जमुना पार भेजने की बात की थी। पिछली बार तो कुछ सीटों पे जमानतें बच गई होंगी, इस बार जमानतें जब्त होंगी। सांप पर भाई सांप का काटे और पानी भी ना मांगता। वही हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने आप और कांग्रेस गठबंधन निशाना साधते हुए कहा कि जो आम आदमी पार्टी है वो तो कांग्रेस से भी 4 कदम आगे भ्रष्टाचार के मामले में। कहावत है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अरे यार भ्रष्टाचार के जो मामले से वो तो बीजेपी सरकार के टाइम में भी मतलब गार्ड सुनना ना मिल दे भाई,
चे वो सहकारिता विभाग मतलब जो कथित कागर हो कथित सहकारिता विभाग घोटाला हो चे भाई वो कथित पेंशन घोटाला हो चे भाई वो कथित फरीदाबाद नगर निगम का घोटाला हो तो भाई घोटाले थी सरकार में भी मतलब कई सुनो मावे थे यानी दूसरों को नसीहत और मियाँ खुद फजीहत। वही हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि आम आदमी पार्टी और हरियाणा में जो कांग्रेस गठबंधन है वो सुनने था और सुनने प्लस मतलब कि सुनने ही होता है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है पहले भी शून्य था, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी शून्य थी, शून्य जमा शून्य शून्य ही होता है भाई। ये तो इलेक्शन ही बताऊंगे। हरियाणा लोकसभा के 10 नंबर के चुनाव में यानी कि 10 नंबर के पेपर में भाई कौन सी पार्टी कितने नंबर लेगी